इस क्वेश्चन में दे रखा है कि z की वैल्यू है x प्लस आई वाई और ओमेगा की वैल्यू है 1 माइनस आई जेड अपॉन z माइनस आई और ओमेगा की वैल्यू का मॉड जो है वो 1 दे रखा है, तो लोकस ऑफ z निकालना है। तो हमने पता लगाना है इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है। z lies on y एक्सिस है तो लोकस ऑफ z विल बिकम y एक्सिस। यदि ये चॉइस ठीक है तो लोकस ऑफ z विल बिकम x एक्सिस एंड सो ऑन। तो लोकस ऑफ z निकालना है तो हम ऐसे करेंगे कि जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है, हम पहले उसको P मान के कोऑर्डिनेट्स H के मान लेते हैं, फिर H और K में एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें H और K के सिवा और कोई वेरिएबल नहीं होता है। जब हमको एक ऐसी इक्वेशन मिल जाती है तो H की जगह आखिर में X कर देते हैं, K की जगह Y कर देते हैं एंड वी गेट द लोकस ऑफ द पॉइंट P। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये तरीका यूज किया जाता है और इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स यदि किसी पॉइंट का लोकस निकालना है, यहां पे z का लोकस निकालना है, तो z में एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें z या z बार के सिवा और कोई वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। जब ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी दैट इक्वेशन विल बी कॉल्ड लोकस ऑफ z। अब हमको z में इक्वेशन बनानी है मॉड ऑफ ओमेगा क्योंकि 1 दे रखा है, ये वाली ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। यहां पे ध्यान रखना ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिनोट नहीं कर रहा है, ओमेगा इज सम कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू दिस। अब ये वाली ओमेगा की वैल्यू यहां रख देते हैं तो 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई इक्वल टू 1 आ गया। इसमें से माइनस आई मैं कॉमन ले रहा हूं, माइनस आई कॉमन लिया तो 1 अपॉन माइनस आई आ जाएगा। यहां पे 1 अपॉन माइनस आई की वैल्यू आई होती है, ये मैं पहले कई बार बोल चुका हूं। तो ये आ गया आई प्लस जेड अपॉन जेड माइनस आई, माइनस आई कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 1, जिसका कि मतलब बना z प्लस आई अपॉन z माइनस आई इक्वल टू 1। तो लोकस ऑफ z निकालने के लिए वैसे तो लोकस ऑफ z मिल चुका है, ये है इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ z, लेकिन हमने पता लगाना है z इनमें से कहां लाई करता है। इसको इसलिए फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मॉड ऑफ z प्लस आई इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस आई, और इसका मतलब हो गया कि z जो है ऐसे मूव करता है जिससे कि ये प्लस आई को मैं माइनस माइनस आई बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये फॉर्मूला जानता हूं मॉड ऑफ z माइनस z2 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन z1 z2, तो ये माइनस लगाया तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम माइनस आई, राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम आई, आई यहां पे आएगा माइनस आई यहां पे आएगा, और z का इन दोनों से डिस्टेंस बराबर हो, ये तभी हो सकता है जब z x एक्सिस पे होगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x एक्सिस है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पर जब भी पॉइंट मूव करता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रहेंगे तो z lies anywhere on x एक्सिस। इन दिस वे लोकस ऑफ z इज x एक्सिस, दैट इज z lies on x एक्सिस, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है x एक्सिस है
और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जेड होगा तो ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे, हेंस वी गॉट द आंसर एज एक्स एक्सिस। ये कॉन्सेप्ट याद रख लो कि यदि कोई पॉइंट है पी, इसका एफिक्स है जेड, तो आई जेड की पोजीशन कौन सी होगी। आई जेड निकालने के लिए ये याद रख लो कि यदि इस लाइन सेगमेंट को अबाउट पे और रोटेट करते हैं थ्रू एंगल एंगल ऑफ 90 डिग्री तो ये पोजीशन आई जेड की होगी। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आई से मल्टीप्लाई करने पर वो पॉइंट अबाउट ओरिजिन रोटेट कर जाता है थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये पोजीशन है आई जेड की। इसी तरह से माइनस आई जेड की पोजीशन कौन सी होगी, यदि हम इसको 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें तो ये पोजीशन जो है वो माइनस आई जेड की होगी। मतलब कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रोटेट कर जाएगा थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन। और इसका जनरल केस ये है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब कि यदि ये जेड है, जेड को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो आएगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन कौन सी होगी, ओ पी। मैं ओपी को थीटा एंगल से रोटेट करता हूं और लेंथ को आर टाइम्स कर देता हूं, तो ऐसे थीटा एंगल से रोटेट किया और लेंथ को आर टाइम्स कर दिया तो यहां का एफिक्स जो है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू जेड होगा। मतलब ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट ओरिजिन रोटेट हो जाता है थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा और लेंथ जो है आर टाइम्स हो जाती है। यदि आर की वैल्यू टू है तो लेंथ विल बिकम टू टाइम्स। अब इस कॉन्सेप्ट के लिए अगेन यदि मैं आर की वैल्यू वन लेता हूं, मतलब कि सिंपली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से, यदि जेड की पोजीशन ये है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू जेड की पोजीशन जो है इससे थीटा एंगल आगे होगी। मतलब कि ये पोजीशन जो है जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होगी, ये बात ध्यान रख लो। इसमें एक्सटेंशन नहीं होगी, केवल रोटेशन होगी थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा। यहां का एफिक्स जेड है तो यहां का एफिक्स जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा। इस फॉर्मूले को याद रखो, इसको हम यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रख लो। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि दो लाइनें हैं, यहां का एफिक्स Z1 है, यहां का एफिक्स Z2 है और यहां का एफिक्स Z3 है, और हमने सपोज ये वाला एंगल निकालना है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये वाला पॉइंट का नाम ए रखता हूं, बी और ये सी। तो याद रख लो यदि ये वाला एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, अब डिनोमिनेटर में आएगा जहां से एंगल शुरू हो रहा है वो वाला वेक्टर
डिनोमिनेटर में आएगा जब जहां पे एंगल खत्म हो रहा है वो वाला वेक्टर, न्यूमरेटर में आएगा दैट इज थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड थ्री माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ये है इस एंगल के बराबर, मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दिस एंगल। ये अच्छे से याद रख लो, इसको भी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसका थोड़ा और जनरल केस बोल रहा हूं मैं कि सपोज यहां का एफिक्स है z1, यहां का एफिक्स z2, यहां का एफिक्स z3 और यहां का एफिक्स z4 है और हमने ये वाला एंगल निकालना है, तो जो एंगल निकालना है वहां से निकलने वाले वेक्टर बना लो, ये एंगल थीटा है और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आर्गुमेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, अब जहां से एंगल शुरू हो रहा है वो वाला वेक्टर, मतलब कि अपॉन में आएगा डीसी वेक्टर, ऊपर आएगा एबी वेक्टर, दैट इज थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन अपॉन जेड थ्री माइनस जेड फोर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों बातें याद रखो क्योंकि इनका हम यूज किया करते हैं, जो एंगल निकालना हो वो वहां से निकलने वाले दो वेक्टर बना लो। इसमें भी मैंने अपॉन में एबी इसलिए लिया था क्योंकि एबी से शुरू हो रहा था और एसी पे खत्म हो रहा था, जहां पे एंगल खत्म होता है वो वाला वेक्टर न्यूमरेटर में, जहां पे एंगल शुरू होता है वो वाला वेक्टर डिनोमिनेटर में, और एसी का मतलब एफिक्स ऑफ सी माइनस एफिक्स ऑफ ए दैट इज जेड थ्री माइनस जेड वन एंड अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन एंड सो ऑन। आई थिंक आपको ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल ठीक से क्लियर हो गए होंगे, इनको मैं आगे चल के यूज करूंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं। Z1 की वैल्यू 1 प्लस I रूट 3 है और दूसरी बात यह है कि Z1, Z2, Z3 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो Z2 और Z3 की वैल्यू निकालनी है। यह क्लियर है, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो प्लस जीरो आयोटा इज इक्वल टू टू, तो दिस क्लियरली रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर जीरो प्लस जीरो आयोटा एंड रेडियस टू, और आगे बोल रखा है कि जेड वन इसके ऊपर लाई करता है और जेड वन की एफिक्स है 1 प्लस आई रूट थ्री, तो z3 सपोज z1 सपोज यहां पे है fx है 1 प्लस आई रूट थ्री और ये पोजिशन का कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 बोलो, या इस पॉइंट का नाम मैं a रख रहा हूं। अब ट्रायंगल क्योंकि इक्विलेटरल है, सपोज b यहां पे है और c यहां पे है, ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है, तो बी और सी का एफिक्स निकालना है क्योंकि ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल 120 हो जाएगा, ये एंगल भी 120 हो जाएगा और ये एंगल भी 120 हो जाएगा। इस सेंटर का नाम मैं एच रख देता हूं, वैसे सेंटर जो है वो जीरो जीरो पे है इसलिए इसका नाम मैं ओ भी रख सकता हूं। अब ये Q
क्लियर है कि ओबीवेक्टर यदि हमने यहां का एफिक्स निकालना है तो इसको कंटेन करने वाला वेक्टर जो है वो लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। ओबी को लेफ्ट साइड में रखा इज इक्वल टू ओ ए इंटू कॉस 120 प्लस आई साइन 120, क्योंकि स्टार्टिंग ओए से हो रही है एंड ओबी पे हो रहा है, ये डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए कॉस 120 प्लस आई साइन 120 और ओए और ओबी की लेंथ बराबर है इसलिए इनटू यहां पे आएगा फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इज 1, देयरफॉर वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को बोलते हैं रोटेशन फॉर्मूला, पहले मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसका एफिक्स मैं जेड बोलता हूं तो जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू वन प्लस आई रूट थ्री माइनस जीरो, क्योंकि एफिक्स ऑफ ए इज वन प्लस आई रूट थ्री, एफिक्स ऑफ ओ इज जीरो और इसकी वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू प्लस साइन 120 इज रूट थ्री बाय टू, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आई रूट थ्री इंटू माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाय टू, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस टू। तो बी पॉइंट का एफिक्स हो गया माइनस टू, और अब हम सी पॉइंट का एफिक्स निकालने जा रहे हैं। सी पॉइंट के लिए यह है इनिशियल वेक्टर, मैं सी पॉइंट का एफिक्स निकालने के लिए ए को भी यूज कर सकता हूं बी को भी यूज कर सकता हूं। सपोज मैं ए को यूज करता हूं और सी पॉइंट का एफिक्स निकालना है तो ओसी वेक्टर लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि सी को कंटेन करने वाला वेक्टर जो है लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, और इक्वल टू ओ ए वेक्टर इनटू, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये एंडिंग पॉइंट है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इसलिए कॉस माइनस 120 प्लस आई साइन माइनस 120 इंटू फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ओसी और ओए की लेंथ बराबर है इसलिए इंटू 1 आएगा फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। यहां का एफिक्स मैं जेड डैश बोल देता हूं तो जेड डैश माइनस जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट थ्री इंटू कॉस ऑफ 120 बिकम्स माइनस 1 बाय टू माइनस आई इंटू रूट थ्री बाय टू। तो जेड डैश को ये सिंप्लीफाई करने के बाद आया 1 माइनस आई रूट थ्री, इन दिस वे सी पॉइंट का एफिक्स हो गया 1 माइनस आई रूट थ्री। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z lies on a circle having center at origin and radius equal to 1 by 2 और locus of minus 1 plus 4 that निकालना है। z lies on a circle having center at origin radius 1 by 2, मतलब कि z का जो curve होगा mod of z minus 0 plus 0 iota equal to 1 by 2, that is mod of z equal to 1 by 2, ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 1 by 2 है। तो z lies on this circle, अब उसके बाद ये है डायग्राम उसका, z इसके ऊपर कहीं भी लाई कर सकता है। अब
आगे कहा गया है कि कोई पॉइंट ले लेते हैं और यहां का एफिक्स को मैं यहां पुट कर देता हूं तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो सपोज वो यहां आ गया, ऐसे अगला पॉइंट दे देते हैं, उस पॉइंट का एफिक्स को मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं तो ये वाला पॉइंट सपोज यहां आ गया। ऐसे मैं सारे पॉइंट को यूज करता जाता हूं और हर एक पॉइंट के लिए -1+4z की वैल्यू निकालता हूं तो -1+4z की जो वैल्यू निकलेगी वो सर्कल बनेगी या -1+4z की जो वैल्यू होगी वो एक लाइन पे लाई करेगी या क्या है, हमने पूरी डिटेल बतानी है कि -1+4z का लोकस क्या होगा। मैंने अभी अभी बताया था जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालना है, यदि -1+4z का लोकस निकालना है, इसको मैं यू मान लेता हूं और उसके बाद यू और यू बार में एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें यू और यू बार के सिवा और कोई वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। जब ऐसी इक्वेशन मिल जाती है आखिर में यू की जगह जेड और यू बार की जगह जेड बार करते हैं, वी गेट द लोकस ऑफ दिस, दैट इज लोकस ऑफ यू। ये बात हमेशा लगाएंगे जब भी किसी पॉइंट का लोकस निकालना हो, उस पॉइंट को यू मान लो और उसके बाद यू और यू बार में एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें यू और यू बार के सिवा और कोई वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। जब हमको ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी आखिर में यू को जेड कर देंगे, यू बार की जगह जेड बार कर देंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि यू आए और यू बार दोनों आए, बस हमको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें यू और यू बार के सिवा कोई और वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। अकेला यू में इक्वेशन बनती है तो वो भी चलेगा, अकेला यू बार में इक्वेशन बनती है तो वो भी चलेगा, बस यू और यू बार के सिवा कोई और वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसका लोकस निकालना है तो -1+4z को मैं यू मान लेता हूं, हमको यू का लोकस निकालना है। यहां से मैं कह सकता हूं कि U+1=4z, तो z हो गया U+1/4। अब इस z की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं तो ये हो गया मॉड ऑफ U+1/4 =1/2, दैट इज मॉड ऑफ U -1=2। तो लोकस ऑफ U, आखिर में U को Z कर दो, U बार होता हो तो उसको मैं Z बार कर देता, तो लोकस ऑफ U बिकम Z -1=2। तो लोकस ऑफ Z इज ए सर्कल विथ सेंटर -1, 0 एंड रेडियस 2। तो लोकस ऑफ जेड इज ए सर्कल विथ सेंटर -1, 0 एंड रेडियस 2, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि Z-Z0=R रिप्रेजेंट ए सर्कल विथ एफिक्स ऑफ सेंटर Z0 एंड रेडियस R। तो इसका मतलब यह हो गया कि आंसर इज नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि Z-3+2i=4 है, मतलब कि Z lies on a circle, यहां से क्लियर है, इसको मैं लिख सकता हूं Z-3-2i=4, मतलब यह निकला कि लोकस ऑफ Z इज ए सर्कल विद सेंटर (3-2i) एंड रेडियस 4। लोकस ऑफ Z इज ए सर्कल विद एफिक्स ऑफ सेंटर 3-2i एंड रेडियस 4, दिस इज द लोकस ऑफ Z। और
इसका मतलब हो गया कि Z जो है इस सर्कल के ऊपर कहीं भी लाई करेगा जिसका कि सेंटर 3-2i है और रेडियस 4 है, Z lies anywhere on this circle. हमने पता लगाना है मॉड Z की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का डिफरेंस. तो मॉड Z का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि बताया हुआ है कि Z जहां है तो यह होता है मॉड Z. मॉड Z का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम ओरिजिन. तो हमने ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड Z के वैल्यूज में हमने डिफरेंस बताना है. तो इसको करने के लिए पहले हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं. ये तो इसका डायग्राम क्या होगा कि सेंटर होगा 3-2iota. 3-2iota इज समवेयर हियर. तो और रेडियस है 4. तो लोकस ऑफ जेड विल बी ए सर्कल विथ सेंटर 3-2iota. तो सर्कल जो है हम ड्रा करेंगे, सर्कल ओरिजिन के यहां से होके जाएगा कि नीचे से होके जाएगा, ये देखने के लिए ये डिस्टेंस है अंडरूट 9+4, दैट इज अंडरूट 13 है. ये लेंथ जो है अंडरूट 13 है और रेडियस 4 वाला जो सर्कल होगा वो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अंडरूट 13 है और सर्कल का रेडियस 4 है. तो सर्कल का रेडियस 4 होने का मतलब ये पूरा डिस्टेंस 4 है, अंडरूट 13 छोटा है. तो इसका मतलब हो गया सर्कल जो है ओरिजिन से यहां से होके जाएगा. अब सर्कल का सेंटर जो है वो है 3-2i. अब हमको मॉड जेड की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पहले निकालनी है. ये क्लियर है मॉड जेड का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ये क्लियर है किस पॉइंट के लिए मॉड जेड सबसे कम होगा. इस पॉइंट के लिए मॉड जेड जो है वो सबसे कम होगा. मॉड जेड का मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा और इस पॉइंट के लिए मॉड जेड जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा. इस पॉइंट के लिए मॉडरेट की वैल्यू ये लेंथ हो जाएगी, इस पॉइंट के लिए मॉडरेट की वैल्यू ये लेंथ हो जाएगी. तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस है अंडरूट 13, ये लेंथ है 4 क्योंकि रेडियस 4 है. तो ये पूरी वैल्यू हो गई मॉडरेट की ग्रेटेस्ट वैल्यू. तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड इज इक्वल टू 4+√13 और लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड इज जे लेंथ जो होगी 4-√13 होगी. यह है लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड, यह है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड. तो डिफरेंस आ गया, डिफरेंस इज 4+√13 -4-√13. आंसर आ गया 2√13. देयरफॉर दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 3. तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स जो है या वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कौन सी चॉइस करेक्ट होगी.
तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल पे लाई करेंगे, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टेट लाइन पे लाई करेंगे, या सेक्टर ऑफ ए सर्कल में होंगे या नन ऑफ दीज। अब सबसे पहले हम जानते हैं मॉड जेड इक्वल टू फोर बोले तो मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो प्लस जीरो आयोटा इक्वल टू फोर का मतलब हो गया दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर जीरो जीरो एंड रेडियस फोर। That is, this equation represents a circle with center 0, 0 and radius 4. लेकिन हमको दिया हुआ है moderate less than equal to 4. तो वो सर्कल जिसका भी सेंटर ओरिजिन पे हो और रेडियस 4 हो तो z क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि लोकस ऑफ z इज सेट ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स एंड इंटीरियर पॉइंट्स, इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं और अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं, जबकि इस क्वेश्चन में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर कहां केवल यहां पे हैं और ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर भी हो सकते हैं और बाउंड्री पे भी हो सकते हैं। अब दूसरी बात दे रखी है कि आर्गुमेंट ऑफ दैट इज लाइन बिटवीन जीरो एंड पाई बाय थ्री, तो ये है सपोज एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इस पॉइंटों के लिए आर्गुमेंट ऑफ दैट जीरो होगा। यदि मैं एक लाइन ड्रा कर दूं जो कि ये एंगल पाई बाय थ्री हो, Z lies anywhere on this line, तो argument of Z will be pi by 3। इस रे की इक्वेशन होगी argument of Z equal to pi by 3। इसकी इक्वेशन होगी argument of Z equal to 0। अब ये दिया हुआ है कि argument of Z के लिए 0 और pi by 3 के बीच में है, तो इसका मतलब हो गया Z lies anywhere between these two rays, this and this। मैं शेडिंग कर देता हूं फॉर क्लैरिटी पर्पस। तो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर केवल ये है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे दे विल लाई इन दिस सेक्टर, तो थर्ड चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस टू इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस आई, तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे जो इन तीनों की इक्वलिटी लेके आएंगे, मतलब कि z की कितनी वैल्यू होंगी जिसके लिए ये तीनों बराबर हो जाएंगे। ये क्लियर है, इसका मतलब है z का वन से डिस्टेंस, इसका मतलब z का टू से डिस्टेंस, इसका मतलब z का i से डिस्टेंस। तो डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, वन लगभग यहां पे होगा, टू लगभग यहां पे होगा और आई लगभग यहां पे होगा। तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कि इन तीनों से डिस्टेंस बराबर हो उसके लिए मैं एक सर्कल ड्रा कर देता हूं, ये हो गया वन। अब यदि इसका जो मैं सेंटर निकालूं, सेंटर के लिए ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ जाएगी, तो इस सर्कल का सेंटर जो कि 10 20 एंड आयोटा से होके जा रहा है, उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी क्योंकि तीनों की वैल्यू आर हो जाएगी। अब ये भी क्लियर है कि तीन पॉइंटों से होके जाने वाला सर्कल केवल एक ही हो सकता है, तीन
पॉइंट से होके जाने वाला नंबर ऑफ सर्कल्स इज ओनली वन, तो इसका मतलब हो गया केवल एक ही सर्कल होगा जो कि इन तीनों पॉइंट से होके जाएगा, तो एक ही सेंटर आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग दिस विल बिकम वन, देयरफॉर फर्स्ट चॉइस बिकम द करेक्ट चॉइस। ये क्वेश्चन है कि लॉग ऑफ रूट थ्री माइनस आयोटा की वैल्यू जो है हमने ए प्लस बी आई वाली फॉर्म में लानी है, तो उससे फिर ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इसका मैंने बताया हुआ है लॉग ऑफ अल्फा प्लस बीटा आई इज इक्वल टू वन बाय टू लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई इंटू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अल्फा प्लस, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला लॉग ऑफ रूट थ्री माइनस आई इज इक्वल टू वन बाय टू लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर, अल्फा का मतलब रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, प्लस बीटा का स्क्वायर, बीटा इज माइनस वन है तो माइनस वन का स्क्वायर, प्लस आई इंटू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस, ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री, ये बन गया वन बाय टू लॉग फोर प्लस आई, ये आ गया माइनस बाहर, और टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री की वैल्यू होती है पाई बाय सिक्स, ये इधर चला गया पावर में, तो आगे आंसर लॉग टू माइनस आई इंटू पाई बाय सिक्स, यू हैव गॉट द आंसर इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी आई, ए हो गया लॉग टू और बी हो गया माइनस पाई बाय सिक्स। इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ जेड माइनस फोर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज टू एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, चॉइसेस टू थ्री फोर एंड नन। तो इसके पहले मैं पहले आपको बता देता हूं मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री प्लस टू आई आ गया इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस माइनस वन प्लस फोर आई आ गया, तो लोकस ऑफ जेड क्या होगा, मतलब कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई करेंगे। ये हो गया थ्री प्लस टू आई, थ्री प्लस टू आई इज समवेयर हेयर और माइनस वन प्लस फोर आई, माइनस वन प्लस फोर आई इज समवेयर हेयर और जेड का थ्री प्लस टू आई से डिस्टेंस और जेड का माइनस वन प्लस फोर आई से डिस्टेंस बराबर है, इक्वलिटी का मतलब इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब हो गया जेड लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, जेड इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कहीं भी मूव करे तो एवरी पॉइंट ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, जेड इसके पर कहीं भी मूव करे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा यदि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो लोकस ऑफ जेड विल बी ऑल दीज पॉइंट्स, तो लोकस ऑफ जेड इज वेरी इजिली फाउंड बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब
इसके बाद ये क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ जेड माइनस फोर इक्वल टू दिस, तो पहले तो हमको चूज करना होगा कि इनमें से छोटा कौन सा है, उसके बाद मॉड ऑफ जेड माइनस फोर छोटे वाले के बराबर है, ये कंडीशन को ध्यान रखते हुए रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये देखना है कि इनमें से छोटा कौन सा है। मॉड ऑफ जेड माइनस टू का मतलब जेड का टू से डिस्टेंस, मॉड ऑफ जेड माइनस सिक्स का मतलब जेड का सिक्स से डिस्टेंस, और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो फोर से होके जाएगा। तो जेड यदि इस लाइन पे मूव करेगा तो ये और ये मतलब कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे यदि लाइन पे मूव करेगा तो, और यदि Z इस लाइन के इस तरफ आ जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। Z लाइन के इस तरफ चला जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो हम दो केसेस लेते हैं कि Z लाइज ऑन दिस साइड, यदि Z लाइज ऑन दिस साइड देन मिनिमम इज दिस वन, तो इक्वेशन रिड्यूसेस टू मॉड ऑफ जेड माइनस फोर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस टू, जेड का फोर से डिस्टेंस और टू से डिस्टेंस बराबर है। इधर वाले पॉइंटों में से कौन कौन से पॉइंट ऐसे होंगे जिनमें टू से डिस्टेंस और फोर से डिस्टेंस बराबर हो, इधर वाले पॉइंट में से करना है। तो इसको करने के लिए मैं टू और फोर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर रहा हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस ये लाइन, ये लाइन थ्री से होके जा रही है, मिड पॉइंट ये होगा। जेड इसके पर कहीं भी मूव करे उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, मतलब कि जेड यदि इस तरफ लाई करेगा तो मिनिमम ये हो जाएगा और इक्वेशन ये बन जाएगी, और ये बनने का मतलब z का 4 से डिस्टेंस और z का 2 से डिस्टेंस बराबर हो, तो मैं 2 और 4 को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर देता हूं। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे z कहीं भी होगा ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और सेकेंड केस लेके चलते हैं कि पॉइंट इधर लाई करता है, यदि पॉइंट इधर लाई करे तो उस केस में ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो इधर वाले पॉइंटों के लिए इक्वेशन बिकम्स मॉड ऑफ जेड माइनस फोर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस सिक्स, फोर का जेड का फोर से डिस्टेंस और सिक्स से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो लोकस ऑफ जेड, जेड कहां मूव करेगा, मैं फोर और सिक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर देता हूं, ये वाला पॉइंट आएगा फाइव। जेड इधर वाले पॉइंटों में से ये हो गया है छोटा, इक्वेशन बिकम्स दिस थिंग। तो जेड का फोर से डिस्टेंस और सिक्स से डिस्टेंस बराबर है, तो जेड लाइज एनीवेयर ऑन दिस लाइन, तो Z यहां लाई करेगा या Z यहां लाई करेगा, तो रियल पार्ट ऑफ Z विल बी आइदर 3 और 5, देयरफॉर करेक्ट चॉइस इज नन ऑफ दिस, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ Z इज आइदर 3, क्योंकि इस पे कहीं पे भी मूव करे रियल पार्ट ऑफ Z 3 रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट चेंज होता जाएगा। इस लाइन के ऊपर कहीं भी मूव करे रियल पार्ट 5 रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट चेंज होता जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, लेकिन हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 रहेगा, तो रियल पार्ट ऑफ z इज आइदर 5 और 3। अब कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यदि क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ी सी डिफरेंस ले आऊं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने बहुत सारी बुक्स में
गलत देखा है। ये कहा गया है मिनिमम की जगह हम मैक्सिमम कर देते हैं, तो ज्यादातर सारे बच्चे इवन बुक्स में भी लिखा गया है कि आंसर सेम रहेगा, लेकिन आंसर सेम नहीं रहेगा। इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा क्योंकि बुक्स में इसको गलत किया गया है। तो फर्स्ट केस इनमें से बड़ा कौन सा होगा, इसके लिए ये 2 है ये 6 है, तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर देते हैं, ये 40 से होके जाएगा। तो इस पॉइंट से इस लाइन से जेड इस तरफ लाई करेगा, इधर वाले पॉइंटों में से इधर वाले पॉइंटों के लिए ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। मैंने फर्स्ट केस लिया है पॉइंट इस तरफ लाई करता है, पॉइंट यदि इस तरफ लाई करता है तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। इक्वेशन बिकम्स मॉड ऑफ जेड माइनस 4 इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस 6। तो अब इधर वाले पॉइंटों में से हमने वो पॉइंट चूज करने हैं जिनका भी 4 और 6 से डिस्टेंस बराबर हो। इधर वाले पॉइंटों में से कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसके लिए 4 से डिस्टेंस और 6 से डिस्टेंस बराबर हो, इधर वाले कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा। तो इन दिस केस इधर वाले पॉइंटों में से कोई पॉइंट नहीं होगा, तो एक फर्स्ट केस हो गया नो सॉल्यूशन सो फार एज द पॉइंट लाइज ऑन लेफ्ट साइड। अब यदि पॉइंट राइट साइड में लाई करता है तो इनमें से बड़ा हो जाएगा ये, यदि इस तरफ लाई करेगा तो मॉड ऑफ जेड माइनस 2 विल बी बिगर, तो उस केस में ये बन जाएगा 2। अब इधर वाले पॉइंटों में से कौन कौन से पॉइंट ऐसे होंगे जिनका 2 और 4 से डिस्टेंस बराबर हो, इधर वाले पॉइंटों में से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिनका 2 और 4 से डिस्टेंस बराबर हो, क्योंकि वो पॉइंट जिनका 2 और 4 से डिस्टेंस बराबर हो तो वो तो इस लाइन पे लाई करते हैं। देयरफॉर द आंसर इज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया है कि z एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इस z की वैल्यू 0 पर 0 आयोटा नहीं है, तो आर्गुमेंट ऑफ मॉड z की वैल्यू इनमें से कौन सी हो जाएगी। यदि z की वैल्यू 0 प्लस 0 नहीं है तो मतलब z ओरिजिन पे लाई नहीं करता। अब z की वैल्यू ओरिजिन की जगह कोई भी दूसरी हो जाए, इट विल बिकम ए पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो मॉडुलस होने के बाद वो पॉजिटिव रियल नंबर बन जाता है, और पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट जो है वो 0 होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका आर्गुमेंट 0 होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लाई करते हैं। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट जो है वो 0 होता है, और मॉड जेड इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ मॉड जेड इज 0, देयरफॉर फोर्थ चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z1 z2 इसके रूट्स हैं, और z1 z2 और ओरिजिन मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कि इक्विलेटरल है, तो b की वैल्यू क्या होगी। यह दिया हुआ है कि z1 z2 एंड ओरिजिन ये एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कि इक्विलेटरल दे रखा है, तो b की वैल्यू क्या होगी, ये ओरिजिन है। इसको करने के लिए पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल हो जिसका एपिक्स z1 z2 z3 हो, तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा इफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू
z1 z2 plus z2 z3 plus z1 z3 होगा। यदि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। मतलब कि थ्योरम एंड कन्वर्स बोथ आर ट्रू। और यहां पे एक z1 है, एक z2 है और तीसरा ओरिजिन है। मतलब कि z3 की वैल्यू जीरो है, z3 को जीरो बोल दिया तो इक्वेशन बिकम्स z1 square plus z2 square equal to z1 z2, क्योंकि मैंने z3 को जीरो पुट कर दिया तो ये तीनों टर्म जीरो हो गई। आई हैव गॉट दिस कंडीशन। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं लिख सकता हूं z1 square plus z2 square plus 2z1 z2 equal to 3। मैंने दोनों तरफ 2z1 z2 को ऐड कर दिया है। अब इसके आगे इसका भी मतलब बन गया z1 plus z2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3z1 z2 3z1 यहां पे आ गया है इक्वल टू 3z1 एंड z2। और z1 plus z2 की वैल्यू क्लियरली माइनस 6 होगी, क्योंकि z1 z2 इसके रूट्स हैं। तो माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 3, z1 इंटू z2 की वैल्यू b आ जाएगी, तो b बिकम्स 36 बाय 3 दैट इज 12। देयरफॉर फर्स्ट चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सच दैट मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2। तो ये जो नंबर होगा ये प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, जीरो होगा या नन ऑफ दिस। अब ये क्लियर है कि जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो होने के लिए z1 और z2 को एक दूसरे का नेगेटिव होना होगा। मतलब कि z2 यदि माइनस z1 के बराबर होगा तो ही जीरो बनेगा। अब ये क्लियर दे रखा है कि z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन z2। तो z2 का z1, z2 का ओरिजिन से डिस्टेंस और z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों का बराबर है, लेकिन जीरो तो तब आएगा ना z1 यहां पे हो, z2 यहां पे हो, दोनों ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे भी हो और ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे होंगे तो ही ये जीरो बनेगा। जीरो आना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि यहां पे z2 है, यहां पे z1 है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जीरो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का केवल ओरिजिन डिस्टेंस बराबर है। तो जीरो तो करेक्ट नहीं है, लेकिन हमने पता लगाना प्योरली रियल है कि प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि हमने ये पता लगाना है कि प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है। इसको नॉर्मल वे से मैथमेटिकली करेंगे तो बहुत लेंथी है। इसको करने का शॉर्टकट वे ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यदि यहां पे z1 है, यहां पे z2 है, ये हमको दे रखा है कि दोनों की लेंथ बराबर है। अब z1 plus z2 की पोजीशन पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का मिलती है, तो आपको याद होगा कि z1 यहां पे है, z2 यहां पे है। यदि पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा तो ये पोजीशन z1 plus z2 की वैल्यू आ जाएगी यहां के लिए। अब
z1 प्लस z2 माइनस जीरो और z1 माइनस z2, इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू, ये हो गया ये वाला पॉइंट का नाम रख दिया मैंने ओ ए बी और ये एच इसका नाम रख देता हूं। तो z1 प्लस z2 माइनस ओरिजिन का मतलब हो गया ओ एच वेक्टर और z1 माइनस z2 का मतलब बी ए वेक्टर ये है और ओ एच वेक्टर ये है, क्योंकि z1 और z2 का ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है तो इसलिए ये पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस बन जाता है और रोम्बस बन जाता है तो एंगल 90 आएगा। अब ओ एच वेक्टर ऐसे है, बी ए वेक्टर ऐसे है, तो एंगल निकालना है तो बी ए वेक्टर से शुरू करेंगे, ओ एच वेक्टर तक जाएंगे और यदि एंटी क्लॉकवाइज हुई तो पॉजिटिव एंगल आएगा, क्लॉकवाइज हुई तो नेगेटिव एंगल आएगा। तो बी ए से शुरू कर रहा हूं, ओ एच तक जा रहा हूं, ये अमाउंट ऑफ दिस एंगल विल बी 90, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आंसर विल बी आर्गुमेंट ऑफ दिस इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ ओ एच वेक्टर अपॉन बी ए वेक्टर दैट बिकम्स इक्वल टू पावर टू और पावर टू आ गया, देयरफॉर वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्गुमेंट पावर टू हो वो प्योरली इमेजिनरी हो रहा है, देयरफॉर दिस चॉइस बिकम्स अ करेक्ट चॉइस क्योंकि आर्गुमेंट आ रहा है पावर टू। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 एंड मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 दे रखा है, तो इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट होगी। टू डू दिस z1 सपोज यहां है, z2 सपोज यहां है, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम यदि कंप्लीट कर देते हैं तो ये पोजीशन z1 प्लस z2 की होती है, ये वाला पॉइंट का नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इस पॉइंट का नाम मैं एच रख रहा हूं, तो ये इसका मतलब है z1 प्लस z2 का ओरिजिन से डिस्टेंस, क्योंकि मॉड z का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब हो गया z1 प्लस z2 वाले पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब ही ये डिस्टेंस, और ये का मतलब ये डिस्टेंस z1 माइनस z2 का मतलब z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस। अब ये दोनों बराबर है मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, डायगोनल्स की लेंथ बराबर होने का मतलब पैरेललोग्राम तो पहले से ही है, डायगोनल्स की लेंथ बराबर होने का मतलब रेक्टेंगल हो गया और रेक्टेंगल के साथ साथ मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 दे रखी है, ये वाली लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रोम्बस भी है, रोम्बस भी हो और रेक्टेंगल भी हो ये केवल तभी होगा यदि ये फिगर एक स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर होने का मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए। अब एंगल 90 होगा, मैंने आपको ये बहुत पहले कई बार बोला था कि z1 यहां हो तो iz1 ये जगह बोलो, z यहां हो तो iz की पोजीशन यहां से 90 डिग्री एंगल आगे होती है, ये पोजीशन होगी iz की और माइनस iz की पोजीशन जो है वो ये वाली होगी, यहां पे लेंथ जो है वही रहेगी, iz की पोजीशन ये वाली होगी, माइनस iz की पोजीशन नीचे होगी और अमाउंट ऑफ रोटेशन विल बी
90 डिग्री, आई जेड के लिए रोटेशन होगी 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस आई जेड के लिए रोटेशन होगी थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये वाला पोजीशन माइनस आई जेड, ये वाला पोजीशन आई जेड। अब ये क्लियर है क्योंकि एंगल 90 है और लेंथ सेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि जेड टू इक्वल टू आयोटा जेड वन, क्योंकि जेड वन को आई से मल्टीप्लाई करने पर वो जेड टू पर पहुंच जाएगा क्योंकि एंगल 90 है, तो जेड टू इक्वल टू आयोटा जेड वन। लेकिन ये भी हो सकता है कि जेड वन यहां हो और जेड टू यहां हो, जेड वन यहां हो और जेड टू यहां हो, तो उस केस में जेड वन इक्वल टू आयोटा जेड टू हो जाएगा। तो ये क्लियर है, यहां से मैं बोल सकता हूं कि जेड वन इज इक्वल टू वन अपॉन आयोटा इंटू जेड टू, दैट इज याद मिला कि जेड वन इक्वल टू माइनस आई जेड टू। अब इन दोनों बातों से कंक्लूजन ये निकला कि जेड वन इक्वल टू प्लस माइनस आई जेड टू, देयरफॉर थर्ड चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्गुमेंट ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस टू अपॉन जेड प्लस टू की वैल्यू जीरो है, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब नॉर्मली देखने में लगता है कि जेड की वैल्यू कुछ भी हो जाए, जेड की वैल्यू कुछ भी हो जाए, मॉडुलस होने के बाद तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव रियल नंबर। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड, पूरा जो है दैट बिकम्स ए पॉजिटिव रियल नंबर, और यदि ये पॉजिटिव रियल बन गया तो आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल इज इक्वल जीरो, मतलब कि जेड की वैल्यू कुछ भी हो जाए एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। देखने में ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ी सी गलती है इसके अंदर, जेड की वैल्यू टू नहीं हो सकती है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये जो नंबर आएगा इसका मॉडुलस लेने के बाद ये जो है वो पॉजिटिव रियल बन जाएगा, और पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट जीरो होता है, तो जेड की वैल्यू कुछ भी रखें इसका आंसर जीरो आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जेड की वैल्यू टू नहीं हो सकती, क्योंकि जेड की वैल्यू टू हो जाएगी तब ये जीरो बन जाएगा और आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड, तो जेड कुछ भी हो सकता है लेकिन टू नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और, जेड की वैल्यू माइनस टू भी नहीं हो सकती, क्योंकि जेड की वैल्यू माइनस टू हो जाएगी तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ओनली z इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू, मतलब कि प्लेन का कॉम्प्लेक्स प्लेन का हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, केवल z की वैल्यू टू या माइनस टू नहीं है। ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस टू प्लस थ्री आई इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री है, तो ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर किस कर्व पे लाइक करेंगे, वो वाले कर्व को हमने ड्रा करना है। इसका मतलब ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है जिस पॉइंट का एफिक्स है उस पॉइंट का नाम मैं पी रख रहा हूं, और ये जिस पॉइंट का एफिक्स है उस पॉइंट का नाम मैं ए रख रहा हूं, तो ये बन गया एपी वेक्टर इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि एपी वेक्टर का मतलब होता है एफिक्स ऑफ पी माइनस एफिक्स ऑफ ए। अब टू प्लस थ्री आई जो है इट विल बी समवेयर हियर। अब पी पॉइंट कहां पे हो ताकि एपी वेक्टर का आर्गुमेंट जो है माइनस पाई बाई थ्री हो,
ये आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये Z1 है, ये Z2 है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब हो गया ये दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ बी ए वेक्टर। आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का मतलब आर्गुमेंट ऑफ बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं और ये है ये डायरेक्शन है। और यदि अमाउंट ऑफ दिस एंगल जो है 140 डिग्री मान लिया तो स्टार्ट क्योंकि एक्स एक्सिस करते हैं, ये डायरेक्शन क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू बोलो या आर्गुमेंट ऑफ बी ए वेक्टर बिकम्स इक्वल टू माइनस 140 डिग्री, क्योंकि स्टार्ट जहां से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए माइनस 140 आ जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये है आर्गुमेंट ऑफ एपी। अब पी पॉइंट कहां पे हो ताकि एपी वेक्टर का आर्गुमेंट जो है माइनस पाई बाय थ्री हो। अब इस केस में पी पॉइंट यदि यहां पे होगा, पी पॉइंट यहां से इधर कहीं पे भी होगा और एंगल जो है वो पाई बाय थ्री होगा तो ये हो गया एपी वेक्टर, ये हो गया ए। पी पॉइंट यहां पे कहीं पे भी हो आर्गुमेंट ऑफ एपी वेक्टर विल बी माइनस पाई बाय थ्री, क्योंकि स्टार्ट यहां से करते हैं, ये डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, इसलिए एपी वेक्टर पी पॉइंट इसके पर कहीं पे भी हो आर्गुमेंट ऑफ एपी वेक्टर विल बिकम माइनस पाई बाय थ्री। तो लोकस ऑफ द पॉइंट पी, पी पॉइंट का लोकस इसके ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, लोकस ऑफ द पॉइंट पी इज दिस रे और ओपन रे, क्योंकि पी पॉइंट ए के ऊपर नहीं हो सकता, पी पॉइंट यहां पे कहीं पे भी हो सकता है लेकिन पी पॉइंट ए के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि पी यदि ए के ऊपर हो गया तो ये जीरो बन जाएगा और जीरो का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता। तो पी पॉइंट इसके ऊपर कहीं पे भी होगा तो आंसर जो है वो माइनस पाई बाय थ्री आएगा। लेकिन कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, पी पॉइंट यहां नहीं हो सकता क्योंकि पी पॉइंट यदि यहां हो जाएगा तो एपी वेक्टर ऐसे हो जाएगा, एपी वेक्टर ऐसे हो जाएगा तो एपी वेक्टर का आर्गुमेंट ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये जो एंगल होगा दैट विल बिकम द आर्गुमेंट ऑफ एपी वेक्टर और ये एंगल डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, स्टार्ट हमेशा एक्स एक्सिस करते हैं, तो पी पॉइंट यहां पे आएगा, ये पाई बाय थ्री है तो ये टू पाई बाय थ्री होगा, तो इधर वाले पॉइंटों के लिए आर्गुमेंट ऑफ एपी वेक्टर विल बी इक्वल टू टू पाई बाय थ्री। पी यहां पे कहीं पे भी हो आर्गुमेंट ऑफ एपी वेक्टर विल बी टू पाई बाय थ्री, तो माइनस पाई बाय थ्री के लिए पी पॉइंट इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है लेकिन पी पॉइंट यहां नहीं हो सकता, यहां तब होगा यदि आर्गुमेंट ऑफ एपी वेक्टर टू पाई बाय थ्री दे रखा होता। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए रे स्टार्टिंग पॉइंट टू प्लस सी आई होगा एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ माइनस 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिग्मा के इनपुट 1 to 6 इसकी वैल्यू जो है इनमें से कौन सी होगी ये हमने पता लगाना है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि 1 to the power 1/7 को हमने कैलकुलेट करना हो तो
तो वन को लिखते हैं हम कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो होल पावर वन बाय सेवन। मैं पहले भी कराया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है दोनों के अंदर टू एन पाई ऐड कर दो, कॉस टू एन पाई प्लस आई साइन टू एन पाई होल टू द पावर वन बाय सेवन, दैट इज कॉस टू एन पाई बाय सेवन प्लस आई साइन टू एन पाई बाय सेवन। अब इसके अंदर n को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखेंगे तो सात आंसर्स आएंगे। वो सात आंसर्स इसकी वैल्यूज होंगी। जैसे n को 0 रखा तो आया cos 0 प्लस i sin 0 दैट इज 1। n को 1 रखा तो आया cos 2 पाई बाय 7 प्लस i sin 2 पाई बाय 7। एन को 2 रखोगे तो कॉस 4 पाई बाय 7 प्लस आई साइन 4 पाई बाय 7। इस तरह से आप 6 तक रखोगे तो 7 आंसर्स आ जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखेंगे। 7 नहीं रखते क्योंकि 7 पुट करने से वही आंसर मिलता है जो एन को 0 पुट करने से मिलता है। 8 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 8 पुट करने से वही आंसर मिलेगा जो वन पुट करने से मिलता है। इसलिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रखते हैं। तो ये जो वैल्यूज निकलती हैं ये सारी 1 टू बार 1 बाय 7 के साथ रूट्स होते हैं। और ये भी बताया था मैंने कि इसके रूट्स का जो सम होता है, इसके जो जितने भी रूट्स होते हैं उन सब का सम जो है वो 0 होता है और उनका प्रोडक्ट जो है माइनस 1 टू द पावर 7 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 टू द पावर 6 दैट इज 1 होता है। सारे रूट्स का प्रोडक्ट सपोज 1 टू द पावर 1 बाय 8 से डील कर रहे हैं तो इसकी 8 वैल्यूज का प्रोडक्ट जो है वो माइनस 1 टू द पावर 8 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 टू द पावर 7 इक्वल टू माइनस 1। तो इसकी 8 वैल्यूज का प्रोडक्ट जो है माइनस 1 होता है और 1 टू द पावर 1 बाय 7 की 7 वैल्यूज का प्रोडक्ट जो है माइनस 1 टू द पावर 7 माइनस 1 6 ये 1 हो गया। लेकिन ये ऑलवेज है इसकी 8 वैल्यूज का सम 0 होगा, इसकी 7 वैल्यूज का सम 0 होगा एंड सो ऑन। इस बात को दिमाग में रखते हुए मैं ये बात बोल सकता हूं कि 1 टू द पावर 1 बाय 7 की जो वैल्यूज हैं वो cos 2n पाई बाय 7 प्लस i sin 2n पाई बाय 7 होती है और उसमें n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखते हैं। तो इसका मतलब हो गया n इक्वल टू 0 टू 6। इससे हमको 0 पुट करने से, 1 पुट करने से, अप टू 6 पुट करने से जो वैल्यूज आएगी उन सब का सिग्मा का मतलब सम। और हम जानते हैं कि इसकी 7 वैल्यूज का सम 0 होता है इसलिए इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये क्लियर होना चाहिए। अपॉन में 7 का मतलब क्लियर है कि 1 टू द पावर 1 बाय 7 से डील कर रहे हैं। अपॉन में 8 होता तो इसका मतलब 1 टू द पावर 1 बाय 8 से हम डील कर रहे हैं। तो ये सारी वैल्यूज का सम जो है वो 0 है, ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो लेकिन ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में लाने के लिए मैं माइनस आई कॉमन ले लेता हूं। माइनस आई को कॉमन ले लिया तो माइनस आई बाहर आ गया। माइनस आई के इक्वल टू 1 टू 6 कॉस 2 पाई के 7 इस पे आ गया
वन अपॉन माइनस आई कॉमन लिया है तो यहां पे आ जाएगा वन बाय माइनस आई इज प्लस आई साइन 2π k/7। लेकिन ये ध्यान रखो यहां पे k इक्वल टू 1 to 6 है, मतलब कि 1 to power 1/7 की वैल्यूज में से पहली वैल्यू मिसिंग है और सारी वैल्यूज का सम तो 0 होता है। यहां पे k इक्वल टू 1 to 6 है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, मतलब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं। मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस आई, ये हो गया के इक्वल टू 1 to 6 है तो मैं के इक्वल टू 0 to 6 करता हूं कॉस 2π k/7 प्लस आई साइन 2π k/7 और के इक्वल 0 के लिए इसकी वैल्यू बन जाएगी 1। तो मतलब कि मैंने 1 को ऐड कर लिया है, एक तरह से एक्स्ट्रा क्या कम क्यों थी आ गई है 1, क्योंकि के इक्वल 0 के लिए ये 1 ये 0 हमने 1 को ऐड कर दिया इसलिए -1 आ जाएगा माइनस आई। और इन सारी वैल्यूज का सम क्योंकि 0 होगा अभी बताया था तो आंसर आ गया इनटू -1 दैट इज आई बिकम्स द आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पॉइंट है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, या जिस पॉइंट का एफिक्स ये है वो वाला पॉइंट इस लाइन पे मूव करता है तो हमने इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं इसको ड्रा करके दिखाता हूं। ये क्लियर है कि इसका ग्राफ लगभग ऐसा कुछ होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 0, -5/4 और ये वाला पॉइंट होगा -5/3, 0। अब पी पॉइंट का एफिक्स है एक्स प्लस आई वाई, मतलब कि एक्स प्लस आई वाई इसके ऊपर कहीं भी मूव कर रहा है, मतलब कि पी पॉइंट इसके ऊपर कहीं भी मूव कर रहा है और इसका मतलब हो गया अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडरूट एक्स के प्लस वाई से मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स प्लस आई वाई फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। हमने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और अंडरूट कर देंगे। अब ये क्लियर है ये ओरिजिन है तो एक्स वाई इसके पर कहीं भी मूव करे, यदि एक्स वाई यहां पे आ जाएगा तो अंडरूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर ये लेंथ हो जाएगी, एक्स वाई यहां आ गया तो अंडरूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर ये लेंथ हो जाएगी। तो अंडरूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर सबसे छोटा कब होगा जब एक्स वाई यहां आ जाएगा, जब एक्स वाई यहां आ जाएगा तो तब ये वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसलिए ये डिस्टेंस हमने निकालना है, ये डिस्टेंस जो होगा दैट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो आएगा 3 × 0 + 4 × 0 + 5 मॉड अपॉन अंडर रूट 3² + 4² दैट इज 5/5 दैट इज 1। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई आई मॉड दैट इज दिस लेंथ, और दिस लेंथ भी है 1 तो इसकी लीस्ट वैल्यू हो गई 1।
क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हो जाएगा। चॉइसेस हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट ओरिजिन रोटेट हो जाएगा थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन थर्ड में है, थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ में, थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैं दोबारा बोलता हूं, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये अबाउट ओरिजिन कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा और क्लॉकवाइज रोटेट होगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, इसको ध्यान दे, इसको निकालना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था z को r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो यदि ये पोजीशन z की है तो इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि थीटा एंगल से रोटेट करेंगे और लेंथ जो है वो r टाइम्स हो जाएगी, लेंथ r टाइम्स हो जाएगी, थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो यहां पे होगा, ये लेंथ इसकी r टाइम्स होगी और अमाउंट ऑफ रोटेशन विल बी थीटा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को पहले मैं पोलर फॉर्म में लेके आता हूं, मतलब इस फॉर्म में लेके आता हूं। ये तो क्लियर है, बोर्ड लेवल में आपने पढ़ लिया होगा कि 1 प्लस आई की पोलर फॉर्म होती है रूट टू इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन। बोर्ड लेवल यदि आपको आता है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 1 प्लस आई की पोलर फॉर्म ये है, z को इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना, z इंटू रूट टू इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, मतलब कि z यदि यहां है तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहां होगा, z को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे और 45 डिग्री, मतलब पहले हम 45 डिग्री से रोटेट करेंगे और लेंथ को रूट टू टाइम करेंगे, ये लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज रूट टू और अमाउंट ऑफ रोटेशन विल बी 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्योंकि एंगल पॉजिटिव है। यदि माइनस पाई बाय 4 होता तो रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाती, लेकिन ये पॉजिटिव है, रोटेशन विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एंगल ऑफ 45 डिग्री और यदि एक्सटेंशन बोलते तो एक्सटेंशन होती रूट टू टाइम्स। तो करेक्ट आंसर उसने केवल अमाउंट ऑफ रोटेशन पूछी है तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकम्स द आंसर।